ప్రజాక్షేత్రంలో ఈ ప్రభుత్వంతో అమీ తుమీ తేల్చుకునే ప్రయత్నం తప్పకుండా చేస్తామని యావత్ తెలంగాణ ప్రజలారా మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మాకున్నంత శక్తి మేరకు అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం అసెంబ్లీలో కొట్లాడతాం. అక్కడ అవకాశం లేని పక్షంలో ప్రజాక్షేత్రంలో మీ అందరితో పాటుగా మీ పక్షాన్ని నిలబడి కొట్లాడతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నా. ముఖ్యమంత్రి గారికి మరొకసారి తెలియజేస్తా ఉన్నా, శాసనసభను కించపరచకండి, శాసనసభ్యుల హక్కులు హరించకండి. ఈ పని కనుక మీరు చేస్తే రాబోయే కాలంలో మీకు కూడా అదే గతి పడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. आज तेलंगाना राज्य का बजट सेशन प्रारंभ हो रहा है. दुर्भाग्य की बात यह है कि बिना गवर्नर के बजट सेशन चलाने का निर्णय हिटलर सरकार यानी केसीआर सरकार ने निर्णय लिया है. यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है क्योंकि केसीआर जी जिस रोड पर जिस मार्ग पर तेलंगाना को ले जाना चाह रहे हैं वहां पर सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं है. केसीआर जी ये सोच रहे होंगे कि मैं गवर्नर को रिस्पांस नहीं दूंगा, राज्यांगम के विरुद्ध काम करूंगा, कोई पूछने वाला नहीं है. तो मैं केसीआर जी को ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे तेलंगाना की जनता तुम्हारी ये गंदी हरकतों को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि वो तेलंगाना के लिए लड़ने वाला केसीआर और आज तेलंगाना को अंधकार में भेज रहा है, राज्यांगम के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है. एक महिला गवर्नर होने के नाते भी एक महिला को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ये आज तेलंगाना की जनता ऑब्जर्व कर रही है. मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि जब मैं एक विधायक था उसके बाद में हमारे और दो विधायक जो तुम्हारी पार्टी के खिलाफ संघर्ष करके जीते, धनबल बनबल हर प्रकार का बल हमारे दो विधायकों को हराने के लिए तुमने उपयोग किया, लेकिन जनता ने तुम्हारा पैसा खाया लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि हाँ हमारे को ऐसे नेता चाहिए जो जनता के लिए लड़े, जो किसानों के लिए लड़े, जो तेलंगाना के विकास के लिए लड़े, हमें ऐसे विधायक चाहिए. इसलिए दो विधायकों को जनता ने जिताया है. मैं आज केसीआर जी को कहना चाहूंगा कि आज से बजट सेशन प्रारंभ हो रहा है, हमें तेलंगाना की जनता की आवाज उठाने का मौका असेंबली में दे, हमारी आवाज को दबाने का मौका ना दे, हमारी आवाज को दबाने का प्रयत्न ना करे. अगर आज आप हमारी आवाज को विधानसभा में दबाओगे तो तुम्हारी आवाज कहां दबाना है, ये हमें अच्छी तरह आता है. मैं केसीआर जी को कहना चाहूंगा जैसे हिटलर जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बात कही है कि एक जमाना था जब तुम लोग दो दो तीन तीन घंटे इस विधानसभा में बात करते थे तो अपोजिशन तुम्हारे को टाइम देता था, उसका जवाब देता था. तो आज वही केसीआर को हम याद दिलाना चाहते हैं कि आज क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं. आज तेलंगाना जैसे आपका सपना था कि बंगारू तेलंगाना बनाने का, लेकिन बंगारू तेलंगाना तो नहीं बना लेकिन मत्तूला तेलंगाना तो बन गया हमारा तेलंगाना. तो इसलिए केसीआर जी को हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आज जनता के लिए हर वो सब्जेक्ट पे हम बात करना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, हमारी आवाज को ना दबाते हुए हमें बात करने का विधानसभा में मौका दे. अगर विधानसभा में हमारी आवाज तुम दबाने का प्रयत्न करोगे जैसे हमारे मीडिया के भाई बंधु है, हम आपके द्वारा जनता को जो केसीआर का जो विधानसभा में जो जुल्म होगा, जो हमारे क्वेश्चन आंसर का जो उसने जवाब नहीं देगा, तो हम आपके द्वारा जनता को हम बताने का प्रयत्न करेंगे. और आने वाले समय में जनता केसीआर के ऊपर क्या निर्णय लेगी ये आने वाला समय बताएगा. धन्यवाद.